विस्थापन का दर्द वही समझ सकता है जिसने इसे महसूस किया है। बिना सही पुनर्वास योजना और व्यवस्था के किसी के घर की छत छीन लेना, उसे हर लिहाज से सड़क पर लाना, क्या आफत लाता है, इसे एक विस्थापित हुआ शख्स ही समझ सकता है। ऐसा ही मामला है खलारी के जामुनदोहर से सटे घरों का, जहां बिना स्थानीय मुखिया और प्रखंड प्रमुख को पूर्व सूचना या खबर के मुआवजा राशि का चेक देने गए सीसीएल अधिकारियों का रहतों और विस्थापित ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। एनके एरिया की केडीएच खदान के समीप जामुनदोहर से सटे घरों का मुआवजा राशि का चेक देने गए सीसीएल अधिकारियों का रहतों और विस्थापित ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया गया। विरोध कर रहे रहतों विस्थापित ग्रामीणों ने कहा कि 1980 में सीसीएल द्वारा जमीन का अधिग्रहण कर लिया था, लेकिन उस वक्त घरों का मुआवजा नहीं दिया गया और अब 42 वर्ष के बाद सीसीएल हमारे घरों को उजाड़ रही है। ग्रामीणों कहा कि पूर्व में सीसीएल प्रबंधन के द्वारा जो मुआवजा राशि विश्रामपुर पंचायत के विस्थापितों को दिया गया था, उससे कई गुना कम मुआवजा राशि दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि इस राशि से घर भी नहीं बनेगा, जमीन खरीदना तो दूर की बात है। साथ ही कहा कि सीसीएल तो यहाँ बसे वैसे लोगों को भी घर का मुआवजा दे रही है जिसका अधिकार नहीं है। वही विस्थापित ग्रामीणों ने कहा कि अगर सीसीएल प्रबंधक इतनी ही कम राशि में हमें विस्थापित करना चाहती है तो इसके लिए हमें जमीन भी देना होगा, नहीं तो हमें नहीं हटेंगे। सुबह 11 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक लगातार हो रहे इस हाई वोल्टेज ड्रामा में अंचल निरीक्षक कमलकांत वर्मा, सीसीएल अधिकारियों, सीआईएसएफ जवानों सहित खलारी पुलिस प्रशासन के बीच काफी गहमागहमी रही। वही स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कहा कि यहाँ के रैयतों और विस्थापित ग्रामीणों के साथ हम पंचायत प्रतिनिधियों को ग्रामीणों के साथ बैठक करने का समय सीसीएल को देना चाहिए, कोई पूर्व सूचना भी नहीं दिए और अचानक बड़ा डोजर लेकर घरों को तोड़ने अधिकारी दल बल लेकर आ गए। हमें अपने पंचायतों के ग्रामीणों की सहमति जरूरी है। घंटों तक चले इस गहमागहमी के बाद मौके पर पहुंचे सभी अधिकारियों और रैयत विस्थापित ग्रामीणों के बीच निर्णय लिया गया कि शमीम अंसारी का घर लोगों के आपसी सहयोग से तोड़ दिया जाए और उसे उसका घर का मुआवजा दे दिया जाए। वही अन्य बचे विस्थापित ग्रामीणों व रैयतों का घर पंचायत प्रतिनिधियों, सीसीएल अधिकारियों व अन्य बुद्धिजीवियों के साथ एक बैठक करने के बाद तोड़ने दिया जाएगा। विरोध कर रहे रैयत विस्थापित ग्रामीणों के अलावा केडीएच खान प्रबंधक राघवेंद्र गांधी, माइनिंग इंचार्ज आलोक कुमार सिंह एवं सुनील कुमार सिंह, रतिया गांजू पूर्व चिप सदस्य इत्यादि शामिल थे। क्या होगा इन ग्रामीणों का, मिलेगा सही मुआवजा और पुनर्वास, या जानवरों की तरह करकटा डिस्पेंसरी जैसे जगह में बिना व्यवस्था के सामूहिक आश्रय देकर विस्थापित किया जाएगा। अगले अंक में बताएंगे। हर ताज़ा खबर के लिए बने रहिए VNN मीडिया के संग। ग्रामीण का बात हम मान लिए कि नहीं, बोलिए हटे नहीं। 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 हट
चलो ऊंचा से साइड से गिरा।